रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कड़वा बदलता है, जज्बा रखो जीतने की, क्योंकि दोस्तों किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि बिहार दरोगा का जो जून में नोटिफिकेशन आने वाला है, और बहुत सारे पेपर में भी दिया गया था कि जून तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई थिंक 26,000 के आसपास पोस्ट है कॉन्स्टेबल एंड एसआई को लेकर, जिसमें 5,000 के आसपास बिहार दरोगा का वैकेंसी दिया जा रहा है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का एग्जाम देने का बिहार दरोगा का एक्सपीरियंस है, बहुत सारा बार एग्जाम पास भी किए हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एनसीईआरटी बुक जो इम्पोर्टेंट है, आपको 100% बिहार दरोगा का अगर तैयारी करते हैं तो इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी हिस्ट्री और पॉलिटी का सब्जेक्ट का भी आपको वीडियो दिया जाएगा एनसीईआरटी बुक का। ओनली फॉर एनसीईआरटी जो बुक में जितना कंटेंट दिया गया है उतना ही बात करेंगे, उससे अदर कोई नहीं बात करेंगे। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एक नंबर भी ज्योग्राफी में नहीं छूटने वाला है दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट रहा और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा दोस्तों, तो जस्ट डेली 2 वीडियो डाला जाएगा, और जस्ट के जस्ट ही बहुत जल्दी ही कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितना हो सके पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। तो एनसीईआरटी कक्षा 6 में इतना दे दिया गया है, अगर इतना ही पढ़ ले रहे हैं दोस्तों, तो आपका किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो या एसएससी हो या आप बीपीएससी का भी तैयारी करते हैं, तो 100% आपको इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो उतना अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार एनसीईआरटी बुक को पढ़ के देखिए, और उसके बाद और मेरा वीडियो भी देख के देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। उससे पहले आपसे छोटा सा एक बात है कि इसको आप एक शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं, नोट एक छोटा सा कॉपी लेकर, ताकि एग्जामिनेशन से पहले आपको रिवीजन करने में आसानी मिले दोस्तों। तो आइए बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 का फर्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों, यह है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल में पृथ्वी जो चैप्टर है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो देखे होइएगा दोस्तों, तो इसमें दिया गया बहुत अच्छा है दोस्तों। यह सौर मंडल के बारे में इतना अच्छा से समझाया गया है, अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो 100% आपको याद आ जाएगा और याद हो जाएगा। अगर बहुत बार पढ़े भी हुए हैं तो एक बार देख लीजिए, आपका रिविजन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले जो स्टार्ट है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होता है। तो यह जो दिया गया, इसका कहने का मतलब यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात, यानी पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा। पूर्ण चंद्रमा वाली रात किसे बोलते हैं? तो देखते हैं जैसे गांव देहात में, जैसे आप लोग की जिस रात में देखा जाता है कि पूरे रात चंद्रमा रहता है, दिखाई देता है, तो उसको पूर्ण चंद्रमा वाली रात बोलते हैं। अगर तो अधिकांश आदमी हम लोग उसे पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूर्ण चंद्रमा वाली रात भी बोले तो आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं, यही दोनों सेम ही बात है। इसके 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते हैं, यानी पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो आ जाती पूर्णिमा, उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा का जो खत्म होना प्रारंभ होता है, और उसके बाद जो 15वां दिन बाद एकदम ही नहीं दिखाई देता है, यानी चंद्रमा एक पल के लिए भी नहीं आती है, जिसे हम नहीं देख पाते हैं, उसे बोलते हैं नए चंद्रमा वाली रात। यानी जब नहीं दिखते हैं उसके बाद से फिर चंद्रमा आना प्रारंभ होती है, उसे जिसे नई चंद्रमा वाली रात बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं। तो मेरा दावा है दोस्तों, अगर आप कहीं पढ़े होइएगा दोस्तों, तो अधिकांशतर अमावस्या दिया जाता है, यानी न्यू चंद्रमा वाली रात या अमावस्या, दोनों सेम ही होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के दे दिया जाए और उसमें पूछ दिया जाए कि सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है दोस्तों, तो सूर्य ग्रहण जैसा कि आप लोग जानते हैं अमावस्या के दिन लगता है, और आपके ऑप्शन में यहाँ अमावस्या नहीं दे और नए चंद्रमा वाली रात दे दें, और इसमें से एक तो 4 नंबर पे ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दे,
तो मेरा दावा है दोस्तों कि 100% आप इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मार के आइए दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए कि नए चंद्रमा वाली रात और या न्यू मून या अमावस्या तीनों सेम ही है दोस्तों, ठीक है, या चंद्रमा की वाली रात या पूर्णिमा दोनों सेम है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये अपने नोटबुक में यह दोनों बात को नोट कर सकते हैं। उसके बाद में सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती है दोस्तों। तो आपको एनसीईआरटी बुक ने खगोलीय पिंड के बारे में भी आपको समझा दिया है कि सूर्य और चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं क्या कहलाता है दोस्तों, खगोलीय पिंड कहलाती है, ठीक है। तो खगोलीय पिंड कहलाती है। आप एक एक नोट्स को आप अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा दोस्तों। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ठीक है। अब ये गैसों से बने होते हैं। जो खगोलीय पिंड है दोस्तों बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, या गैसों के बने होते हैं। इसके पास अपनी, या इंपोर्टेंट है दोस्तों, अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। इसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। तो एनसीईआरटी आपको समझाना चाह रहा है जो खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं उसके पास अपना उष्मा और प्रकाश भी होता है जिसे बहुत मात्रा में और उत्सर्जित करते हैं दोस्तों, उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं दोस्तों, तारा कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन खगोलीय पिंड को हम क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य क्या है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है जिनके पास अपना उष्मा भी है और प्रकाश भी है और बहुत मात्रा में यह उत्सर्जित भी करता है, और यह तो इसी से यह सूर्य तारा है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये तारा नक्षत्र मंडल कहलाता है दोस्तों। तो नक्षत्र मंडल के बारे में भी एनसीईआरटी में यह बताया गया है दोस्तों, ठीक है। आर्सा मेजर, यहाँ पे स्टार लगा दिए दोस्तों, आर्सा मेजर और बिग बियर, यह दो आपको नक्षत्र मंडल है। इस प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है, यानी दोनों नक्षत्र मंडल है। तो आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि आर्सा मेजर क्या है या बिग बियर क्या है, ठीक है दोस्तों। बिग बियर क्या है, कुछ आसानी से पहचान आने वाले नक्षत्र है दोस्तों, क्या, आर्सा मेजर और बिग बियर, ठीक है। सप्तऋषि या एक सात तारों के समूह है जो कि नक्षत्र में आर्सा मेजर का भाग है दोस्तों। तो आपसे पूछेगा कि सप्तऋषि किसका भाग है, एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाएगा दोस्तों आपको। 100% एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार एमसीक्यू बनाया जा सकता है कि सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है दोस्तों। इसमें ऑप्शन में आर्सा मेजर दिया जाएगा, बिग बियर दिया जाएगा और बहुत सारे नक्षत्र के ऑप्शन भी दे दिया जाएगा दोस्तों। तो आपसे पूछिएगा, अगर आप पढ़े हैं तो 100% इसको मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी आप VVI लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण करने के लिए निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, यानी उत्तरी तारा क्या बताता है, उत्तरी दिशा को। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, यानी ध्रुव तारा को भी एनसीईआरटी आपको समझाया है दोस्तों। तो प्राचीन समय में जब घड़ी का विकास नहीं था, आपको डिजिटल दुनिया ऐसा नहीं था, तो बहुत सारे लोग जिसके पास दिशा का जानकारी, यानी मतलब आप अगर बहुत दिन पहले अगर बच्चे में रहे होइएगा तो आपके दादाजी या बाबा कोई भी आपको यह जानकारी देते होंगे कि तारा है, ध्रुव तारा है, इधर ध्रुव तारा जिधर दिखाई देगा तो उधर उत्तर होता है। तो आप अगर जानते होइएगा दोस्तों, तो वही एनसीईआरटी आपको समझाने का प्रयास किया है कि प्राचीन समय में
रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, लोग करते थे, ठीक है। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आकाश में हमेशा एक दिशा में रहता है, यानी आकाश में हमेशा एक ही दिशा में आपको दिखाई देगा। हम सप्तऋषि के साथ, किसके सहायता से? सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति के बारे में जान सकते हैं, यानी ध्रुव तारा के स्थिति के बारे में हम किससे जान सकते हैं दोस्तों? तो सप्तऋषि के सहायता से। अगर आप शाम के समय में, अगर इवनिंग के समय में आज ही एक बार देख के देखिएगा दोस्तों, कि ऐसा एक ठो तारे का समूह दिया रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो आप ऐसा करके देखे देखिएगा दोस्तों, ऐसा बना हुआ रहेगा दोस्तों। उसके नीचे वाले से जो तारा है उसके डायरेक्ट सीधा उसके आगे 3 वो तारा और दिखाई देगा, और वहां पे इसको देखते और सीधा जाइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आगे आपको एक ध्रुव तारा दिखाई देगा जो उत्तर दिशा को दिखाता है दोस्तों। किसको दिखाता है दोस्तों? उत्तर दिशा। तो आपको कई बार एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हमको दिशा के निर्धारण करना है तो किस तारे को देख के कर सकते हैं दोस्तों? तो ध्रुव तारा अगर आपके पहचान में है तो आप दिशा के निर्धारण कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ खगोलीय पिंड, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश भी नहीं होता है, ऊष्मा भी नहीं होता है, तो ठीक है। वे तारे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से। जैसे सूर्य एक तारा है तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला, जैसे चंद्रमा है तो वह सूर्य के तारा से प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो इसे उस ऐसे पिंड पिंड है ना, जो ऐसे पिंड है ग्रह कहलाता है, यानी प्लैनेट कहलाता है, ठीक है। तो यह एनसीईआरटी आपको ग्रह के बारे में भी यह पर बताने का प्रयास कर रहा है कि जिसके पास उस प्रकाश नहीं हो, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, और उष्मा नहीं हो, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है तो उसे पिंड कहते हैं। पिंड, ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनाया जा सकता है। और इसके बाद है जो दोस्तों कि पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ठीक है। यूरेनस किसे बोलते हैं दोस्तों? आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये चारों या बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते थे बचपन में। और मेरा दावा है बहुत सारा स्टूडेंट यह नहीं जानता होगा दोस्तों कि यह तीनों के पास छल्ले हैं। सिर्फ यह जानकारी है बहुत सारा कि शनि ग्रह के पास छल्ले होते हैं दोस्तों। शनि ग्रह के बारे में आपको बहुत सारा किताब में दिया जाता है, लेकिन तीनों के बारे में नहीं बताया जाता है। तो कक्षा 6 क्लास के एनसीईआरटी आपको यह भी डिफाइन कर दिया कि तीनों के बारे में, तीनों में छल्ले होते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एमसीक्यू बना दिया गया कि इनमें से किसके पास छल्ले नहीं है और चारों ऑप्शन दे दिया है, तो दावा है दोस्तों कि आप इसी में से किसी को मार दीजिएगा और गलती हो जाएगा दोस्तों। ये छोटे छल्ले, जो छल्ले दिखाई देते हैं हम लोग शनि के देखते हैं, घूमते वाले छल्ले, या विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडे को मिलकर बने होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह छोटे छोटे असंख्य पिंडों को मिलकर घिरा हुआ है जिसको हम छल्ले कहते हैं। अब एक स्ट्रक्चर दिया गया है दोस्तों जिसके बारे में हम समझेंगे, और इसे बहुत सारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हम इंडिकेट किए दोस्तों, यह सूर्य है। क्या है दोस्तों? सूर्य। और सूर्य के बाद जो नजदीक में ग्रह आता है उसको बुध बोलते हैं, और बुध बोलते हैं, और बुध का डिस्टेंस सूर्य से कितना है दोस्तों? तो 58 मिलियन डिस्टेंस है। 58 मिलियन, यानी 58 मिलियन को 1 मिलियन में 10 लाख होता है दोस्तों। तो आप 58 मिलियन में 10 लाख से गुना करके देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है। वही उसके बाद बुध के बाद जो आता है शुक्र आता है, और शुक्र है दोस्तों सूर्य से 108 मिलियन दूरी पर है। उसके बाद पृथ्वी 150 मिलियन के डिस्टेंस पर है। उसके बाद आता है मंगल, ठीक है दोस्तों। मंगल आता है, यह मंगल 228
मिलियन डिस्टेंस पर है दोस्तों। और यह क्वेश्चन तो ना जाने कितने बार पूछा जाता है दोस्तों कि एस्टेरॉइड जो होता है जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं किस दो ग्रहों के बीच में मिलता है। तो इधर मंगल है दोस्तों और इधर बृहस्पति है और इस दोनों के बीच में ही आपको क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड दिखाई देता है, ठीक है। जो उस जो बृहस्पति है सूर्य से कितना दूरी पर है दोस्तों, तो 778 मिलियन डिस्टेंस पर है, ठीक है। उसके बाद शनि है दोस्तों, तो वह शनि कितना दूरी पर है, शनि 1427 मिलियन डिस्टेंस पर है दोस्तों। तो सूर्य से शनि का जो डिस्टेंस है 1427 मिलियन डिस्टेंस पर है। उसके बाद यूरेनस, जिसको हम लोग अरुण ग्रह भी बोलते हैं, क्या ग्रह बोलते हैं, अरुण भी बोलते हैं, यह लेटा हुआ भी ग्रह है, तो इसका डायरेक्शन देखते हुए थोड़ा लेटा हुआ है, तो यह इसका डिस्टेंस है दोस्तों 2889 मिलियन, ठीक है। और नेपच्यून, जिसको हम लोग वरुण भी बोलते हैं, वरुण बोलते हैं, यह 4496 मिलियन डिस्टेंस है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अब आपको बता दे दोस्तों, जो एस्टेरॉइड जो होता है, एस्टेरॉइड से जो इधर जितना ग्रह है इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और यह किसका बना होता है दोस्तों, तो यह आपको यानी कंक्रीट मतलब चट्टानों से बना है, मान लीजिए चट्टानों से बना है, चट्टानों से बना हुआ है दोस्तों। किसका है, तो आंतरिक ग्रह जितना है, जैसे बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यह आंतरिक ग्रह है और इसका निर्माण किससे होता है, चट्टानों से बना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो एस्टेरॉइड के बाद वाला जितना ग्रह आता है, जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया, इसको बाह्य ग्रह भी बोलते हैं और बृहस्पतीय ग्रह भी बोलते हैं, बृहस्पतीय ग्रह भी बोलते हैं। और यह जो बना हुआ है दोस्तों, यह गैसों और गैसों से निर्माण होता है दोस्तों, तो यह गैसे को बना है और यह आंतरिक चट्टानों से बना हुआ है दोस्तों। और बता दे दोस्तों, ये वो भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, यह पृथ्वी हो गया और यहाँ पे शुक्र हो गया, तो पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है, पृथ्वी सूर्य से कितना दूरी पर है, 150 मिलियन है, और इसका डिस्टेंस कितना है शुक्र का, 108 मिलियन, और यहाँ पे मंगल का कितना है, 228। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी का नजदीकतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का नजदीकतम आप यहाँ पे देख सकते हैं, 150 में से 108 माइनस कर दीजिएगा तो आपका 42 मिलियन डिस्टेंस हो जाएगा शुक्र ग्रह का पृथ्वी से, यह सबसे नजदीक है। और वही देखिए दोनों साइड से तो है, तो मंगल का देखेंगे तो आई थिंक 78 मिलियन के आसपास आपको डिस्टेंस आ जाएगा, तो यह कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह पृथ्वी के नजदीक है और मंगल दूर पर है, ठीक है। उसके बाद कुछ यह नोट्स में दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, और यह बार बार आपको एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले बात कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे ग्रहों की संख्या, तो जैसा कि जानते हैं आप ग्रहों की संख्या 8 गो है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। उसके बाद इसका जो उपग्रहों की संख्या है, तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कि उपग्रहों की संख्या बुध के पास कितना है, या कौन ऐसा दो ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र है जिसके पास कोई एक उपग्रह नहीं है, कौन ऐसा ग्रह है जिसके पास एक ही उपग्रह है, तो पृथ्वी है। फिर पूछेगा कौन ऐसा उपग्रह ग्रह है जिसके पास मात्र दो उपग्रह है, तो आपके पास मंगल है, डिवोस और फोबिस, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों इसका उपग्रहों की संख्या, तो यहाँ पे कुछ डाटा है दोस्तों, जी आप एक बार कमेंट करके देख लीजिएगा दोस्तों, हमको जो डाटा दिया गया है एनसीईआरटी में, पुराना एनसीईआरटी में, फिलहाल जो चेंज हुआ है, तो सबसे ज्यादा ग्रह की संख्या किसमें, उपग्रह की संख्या
आपको हाल ही में न्यूज में देखने को मिला होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा हैं बृहस्पति के पास। कुछ दिन पहले जो हो गया था दोस्तों शनि के पास था, लेकिन अब जो हो गया है बृहस्पति के पास। तो अगर आपके करंट में क्वेश्चन बन जाती है तो आप बृहस्पति मानिए। उसके बाद शनि के इसके पास 92, उसके बाद इस शनि के पास 82 के आसपास, यूरेनस के पास यानी अरुण के पास 17 है और नेपच्यून के पास 8 उपग्रह है, ठीक है। उसके बाद जो परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण किसे कहते हैं दोस्तों, तो परिक्रमण वह होता है जैसे सूर्य है और सूर्य और पृथ्वी, तो जब सूर्य का परिक्रमा करता है पृथ्वी पर, देखिए घूमने का रोटेशन दो को होता है, जैसे पृथ्वी का दो है, वो तो अपने अक्ष पर घूमता है और एक तो होता है कि देखिए ये तो अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये वो किसी का परिक्रमा करता है। तो अगर सूर्य पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करें तो उसको परिक्रमण बोलते हैं, और अक्ष पर ही घूमे उसे घूर्णन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो परिक्रमण यानी सूर्य के परिक्रमा, ठीक है, कि परिक्रमा यहां पे सूर्य के परिक्रमा लिख लीजिए, अक्ष पे घूमना। घूर्णन लिख लीजिए, ठीक है। तो जो ग्रह है तो बुध ग्रह को सूर्य के परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लगता है दोस्तों, तो 88 दिन का समय लगता है, जो सबसे कम समय में आपको एक बार सूर्य के परिक्रमा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सूर्य के परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह करता है, तो बुध ग्रह करता है। उसके बाद शुक्र को जो लगता है 255 दिन लगता है एक बार सूर्य के परिक्रमा करने में, पृथ्वी को लगता है 365 दिन 6 घंटे, ठीक है दोस्तों। ये जो 6 घंटा है तो हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, घंटा हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन हर 3 साल के बाद जैसे 6 3 18 6 4 24 यानी 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, यही जो 6 घंटे बढ़ के एक दिन ऐसा होता है 4 साल के बाद जो एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो समय लगता है 365 दिन 6 घंटा, अगर हाई लेवल का एग्जामिनेशन देगा तो आपको 365 दिन 6 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ऐसा ऑप्शन में आ सकता है, तो आप इसको याद रखिए। उसके बाद मंगल ग्रह को लगता है 687 दिन, बृहस्पति को लगता है 11 साल 11 माह, और शनि को लगता है एक बार परिक्रमा करने में सूर्य को 29 साल 5 महीना, यूरेनस को लगता है 84 साल यानी अरुण ग्रह जो एक बार सूर्य के परिक्रमा करने में 84 साल का समय लेता है, और नेपच्यून 64 वर्ष का समय लेता है। और वही बात करेंगे दोस्तों अपने अक्ष पर कौन घूमता है कितने समय में घूमता है, तो बुध अपने अक्ष पर 59 दिन में घूम लेता है, ठीक है। तो यह 59 दिन पृथ्वी के अपेक्षा में है दोस्तों, जो एक दिन पृथ्वी पर होता है इसको 59 दिन का समय लगता है अपने अक्ष पर घूमने में। वही शुक्र को लगता है 254 दिन, ठीक है। तो आपको बता दे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रह है जिसको अपने अक्ष पर भी घूमने में और सूर्य का परिक्रमा करने में समान समय लगता है, तो वह है शुक्र जो 255 दिन में अपने सूर्य को परिक्रमा करने में लगता है और अपने अक्ष पर घूमने में 254 दिन लगता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पृथ्वी, तो पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने में जैसा कि आप लोग जानते हैं 24 घंटा का समय लगता है, और मंगल ग्रह को भी अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटा का समय लगता है। तो पूछ देगा आपको एग्जामिनेशन में कि कौन ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष पर घूर्णन करने में समय लेता है, तो मंगल है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मंगल एक दिन में अपने अक्ष पर घूम लेता है, पृथ्वी भी एक दिन में घूम लेता है, बृहस्पति 9 घंटा 56 मिनट मात्र 9 घंटा 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूम लेता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन कौन करता है, तो बृहस्पति आंसर होगा दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कक्षा 6 क्लास में इतना अच्छा से दे दिया गया, अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि कहीं आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने जा रहा है। उसके बाद शनि ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटा 4 मिनट का समय लगता है,
यानी 10 घंटा 4 मिनट के समय लगता है, ठीक है। यूरेनस को लगता है 17 घंटा और वही वरुण का लगता है यानी नेपच्यून को लगता है 16 घंटा का समय, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट है, कुछ इंपोर्टेंट नोट्स है दोस्तों जिसमें यह स्टार लगा के दिया गया है। तो परिक्रमा में यानी परिक्रमा में सबसे कम समय कौन लेता है दोस्तों, तो सबसे कम समय में परिक्रमा कौन करता है, बुध ग्रह लेता है। वर्ष और दिन किस ग्रह का समान है दोस्तों, तो अब जैसा कि जानते हैं आपको बताया गया है शुक्र ग्रह का। सबसे धीमे गति से परिक्रमा कौन करता है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि शुक्र ग्रह जितना दिन में अपने अक्ष पर घूमता है उतने दिन में ही सूर्य का परिक्रमा करता है, इसका मतलब सबसे धीमा घूम रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, इसी कारण से जितना दिन में उसको सूर्य को परिक्रमा कर रहा है उतने दिन में अपने अक्ष को परिक्रमा कर रहा है, तो बड़ी धीमला है शुक्रवार, ठीक है। उसके बाद सबसे तेज गति से घूर्णन कौन करता है अपने अक्ष पर, तो मात्र 9 घंटा 56 मिनट में अपने अक्ष पर एक बार घूम लेता है, काहे कि यह बहुत बड़ा है, घूमने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। तो यह बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद एक परिक्रमण में सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, यानी एक बार सूर्य के जो परिक्रमा करता है, तो एक परिक्रमा सूर्य को परिक्रमा करता है तो जो सबसे ज्यादा दूर रहेगा वो सबसे ज्यादा समय लेगा, तो नेपच्यून सबसे ज्यादा दूर है तो वह सबसे ज्यादा समय लेता है परिक्रमा करने में, ठीक है। तो नेपच्यून आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सूर्य से नजदीक और सबसे दूर ग्रह कौन है, तो जैसे कि आप जानते हैं सूर्य के नजदीक ग्रह कौन है, बुध है, और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है, नेपच्यून है। आपको देखिए दोस्तों अब लास्ट में एक तो ट्रिक है जो इसको डिस्टेंस के अनुसार याद करने में आपको आसानी होगा दोस्तों, तो यह ट्रिक आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो बुध से स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग, पहले बुध, बुध के बाद एक बार एगो को मिस कर छोड़ देंगे, ठीक है, बुध लिखेंगे, ठीक है, बुध लिख के एगो गुरु छोड़ देंगे। उसके बाद कौन आता है, शुक्रवार आता है, शुक्रवार आता है, उसके बाद एक छोड़ देंगे, बुध, बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र, शनि और रविवार। तो रविवार यानी रविवार होता है, तो रविवार हम लोग कहां बिताएंगे, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर बिताएंगे और इसको पृथ्वी ले लेंगे। तो एक दिन छोड़ दिए, बुध के बाद एक दिन छोड़ के शुक्र आ गया, शुक्र के बाद एक दिन छोड़ दिए तो रविवार हो गया, रवि को कहां बिताना है, पृथ्वी पर, और पृथ्वी ओकरा बाद फिर सोमवार को छोड़ देंगे तो हम लोग को आ जाएगा मंगलवार। काफी इंपोर्टेंट ट्रिक है, तो मंगल ग्रह हो जाएगा, फिर मंगल के बाद एक छोड़ देंगे बुध तो हम लोग के आ जाएगा बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति बार आ जाएगा, और फिर एक तो छोड़ देंगे बृहस्पति का शुक्र छोड़ देंगे तो हम लोग के आ जाएगा शनिवार, शनिवार, ठीक है। तो आप इस तरह से और अरुण वरुण जो नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून आप ऐसी याद कर लेगा, तो एक दिन मिस करना है दोस्तों, आप इसको अच्छा से याद कर सकते हैं। और एक बात याद रखें कि संडे हम लोग कहां बिताएंगे, तो पृथ्वी पर बिताएंगे, तो बुध से एक दिन मिस करेंगे तो शुक्र आ जाएगा, शुक्र के बाद एक दिन मिस करेंगे तो रवि आएगा, रवि बिताना है पृथ्वी पर, और रवि बिताना है पृथ्वी पर, रविवार के बाद सोमवार को मिस करेंगे तो मंगल ग्रह आ जाएगा, मंगल के बुध के मिस करेंगे तो बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति को मिस करेंगे, बृहस्पति के बाद शुक्र को मिस करेंगे तो शनिवार आ जाएगा, शनि के बाद अरुण, यूरेनस और नेपच्यून। आप जैसा कि आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग था। और इसके बाद एक ही टॉपिक जो सौर मंडल के बारे में काफी लंबा वीडियो हो रहा है, तो एक और वीडियो बनाया जाएगा छोटा सा जिसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिया जाएगा और कुछ कॉन्सेप्ट भी बाकी है उसको भी करवा दिया जाएगा दोस्तों। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो धनाधन लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।